सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? माय नेम इज़ किरण मान। सो आज की वीडियो है, मैंने ना कुछ ऐसे ऑर्डर करा था अपनी स्किन के लिए, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो ये कुछ भी वो नहीं है, कोई ऐड वैड नहीं है, लेकिन जो मैंने ऑर्डर करा तो मैं आपको भी बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस। अभी मेरे हिसाब से 3-5 डेज हो चुके हैं उसका ऑर्डर करे हुए, तो उसको मैं अभी यूज़ भी कर रही हूँ। तो मेरी बिफ़ोर मैंने अपनी पिक्चर क्लिक तो नहीं करी थी, लेकिन मैं उसका रिव्यू आपको दूंगी कि वो कैसे हैं। तो एक ऐप है क्योर स्किन ऐप, तो उससे ही हमने ऑर्डर करा था। आई थिंक काफ़ी लोग जानते भी होंगे इस ऐप को। तो उस ऐप में क्या करते हैं, आपकी पिक मंगवा लेते हैं और पिक डालने के बाद वो आपका पूरा फेस स्कैन करते हैं। दो पिक्स जाती हैं, एक साइड फेस और एक फ्रंट फेस, तो उसी अकॉर्डिंग वो आपको आपकी किट रेडी करके देते हैं। तो फोर टाइप की क्रीम्स होती हैं, तो मैं आपको अपनी किट दिखा देती हूँ मुझे कौन कौन सी क्रीम उन्होंने दी है और कैसे कैसे मैंने यूज़ करी है। और मैंने और मम्मी ने इकट्ठे ही ऑर्डर करा था, उनकी जो है किट एकदम अलग है और मेरी जो किट है वो एकदम अलग है। हमारी क्रीम्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। हाँ, जो हमारी सनस्क्रीन है वो मैच कर रही है, लेकिन बाकी की जो दूसरी क्रीम्स है ना, मेरी स्किन थोड़ी अल्ट्रा सेंसिटिव है, तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने मेरा किट रेडी करके दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी हमें बॉक्स में मिला था। सो ये था बॉक्स उसका, क्योर स्किन एक्सपर्ट LED स्किन केयर। सो ये मैंने ओपन करा और ये उल्टा पुल्टा सो चुका है। तो ये ऐसे आया था हमारा, तो ये मैंने यूज़ कर लिया इसलिए यहाँ पे लग गया, सो इग्नोर। सबसे पहले हमारा है ये क्योर स्किन का सेंसिटिव प्रो क्लींजर, हाइड्रेट्स एंड रिफ्रेश, ट्यूक्यूम्बा बटर, एप्पल अमीनो एसिड्स। तो सीरियसली ये फेस वॉश है, लेकिन ये क्रीम की तरह है, क्रीमी फेस वॉश। ये क्रीम की तरह ही है, ये एक फॉर्मिंग वॉश कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा। इसको मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगी, पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। और उसके बाद आई है हमारी ये क्योर स्किन SPF 30 सनस्क्रीन जेल। तो ये जेल की तरह है लेकिन वाइट है, विटामिन ई, और बहुत ही बढ़िया है ये। तो ये मैं एक टाइम ही लगाती हूँ, जो क्लींजर है वो दो टाइम, तो ये मैं मॉर्निंग लगाती हूँ। और इसके बाद हमें मिला है ये क्योर स्किन रीस्ट्रक्चर क्रीम, तो ये हमें लगाना है नाइट को। तो उनकी ऐप में इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कौन सी आपको नाइट को लगानी है, कौन सी मॉर्निंग को लगानी है, तो वो कॉल भी करते हैं। ये लास्ट है, ये एक छोटी सी ऐसे बॉक्स में आई थी, क्योर स्किन जैलिक एसिड क्रीम। तो ये नाइट को लगानी है, वो भी एक दिन छोड़ के, एक दिन के बाद लगानी है, और वहाँ ही लगानी है जहाँ आपका इफेक्टेड एरिया है। तो मैं आपको सारी क्रीम्स की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कैसी है, और ये सीरियसली मैं आपको बताती हूँ इसका रिव्यू। सो सबसे पहले मैं आपको रिव्यू करूँगी अपने जो क्रीमी फेस वॉश का। तो सीरियसली ये जो फेस वॉश है ना, ये एकदम क्रीमी है, और इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखाती हूँ। सो इसका टेक्स्चर एकदम क्रीमी क्रीमी सा है, और ये फॉर्मिंग के नहीं आएगा क्योंकि इस पर लिखा भी है क्रीम फेस वॉश। तो ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग उन्होंने एकदम क्रीमी बेस का दिया है, तो इसको मैं ऐसे लगा के अप्लाई करके और फिर इसके बाद मैं फेस वॉश कर देती हूँ। तो एक मिनट के लिए मुझे इसको अपनी स्किन पर रब करना है, और ये मैं दो टाइम लगाती हूँ, एक मॉर्निंग और एक नाइट को सोने से पहले। तो इसको जब मैं आ जाती हूँ लगा के, उसके बाद मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। तो ये जो सनस्क्रीन है ना, जो इसकी है कंसिस्टेंसी वो कुछ ऐसी है, ये देखिए कुछ ऐसी, लेकिन बिल्कुल भी स्टिकी सी नहीं है। इसको आप लगाएंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये क्या चिपचिपा सा लग गया है, और ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है बहुत ही आसानी से, और बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है।
और ये हो गया मॉर्निंग रूटीन। और उसके बाद जो मेरी नाइट रूटीन है वो भी सेम ही है, पहले मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ और उसके बाद सनस्क्रीन नहीं मुझे लगानी, उसके बाद मुझे लगाना है ये क्योर स्किन रीस्ट्रक्चर क्रीम, जो जो हमारी स्किन को रीस्ट्रक्चर करती है। ये सिर्फ ये जो हमारे ये पैकेज हैं ये मुझे पड़ा है, मैं एंड में बताऊंगी कितने का पड़ा है। तो ये जो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, एक जैसे मटर के दाने जितना, और उससे ही आपका ये 3-4 महीने निकल जाएगा। तो ये जो है ना, ये देखिए, ये सिर्फ ये मैंने थोड़ा सा ही निकाला है, लेकिन एक पंप के जितना पूरे फेस पे जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम लाइट जेल की तरह है, देखिए, है ना। तो ये हमारे स्किन को जो है रीस्ट्रक्चर करती है, जैसे हमारी स्किन ख़राब है कहीं से, पिगमेंटेड है, कुछ भी है। तो लास्ट में है यही छोटू सी क्रीम जो सोते टाइम लगानी है, वो भी एक दिन छोड़ के, क्योंकि ये थोड़ी तेज़ है, एजैलिक एसिड क्रीम। सो इसको ये बस जब आप सोए, और ये बस इफ़ेक्टेड एरियाज़ पे ही लगानी है। तो ये ऐसे छोटू सा पैक आता है, ये देखिए, और इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखा देती हूँ, ये है ऐसी। तो ये है इसकी कंसिस्टेंसी, ये है थोड़ी सी थिक, जो आपको स्किन के अंदर ऑब्जर्व करनी है, ज़्यादा मसाज नहीं करनी, बस ऐसे लगा के और फिर इसको छोड़ देना है, और फिर सुबह ही आप इसको वॉश करेंगे। तो मैंने ये सारे जो प्रोडक्ट यूज़ करे, वैसे मेरी स्किन पे कुछ भी सूट नहीं करता, कोई भी अगर कुछ भी लगा लो तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये मेरी स्किन पर सूट कर गए हैं, मुझे ये सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया लगे। ये अफोर्डेबल भी हैं और ये 3-4 महीने हमारे आराम से निकल जाएंगे। तो ये सारी किट उन्होंने मुझे बना के दी है 1500 में, तो 1500 में मुझे ये सारी की सारी किट पड़ी है, और मुझे कुछ ये ज़्यादा महंगी नहीं लगी, क्योंकि स्किन से बढ़कर हमारे लिए क्या ही हो सकता है। तो आई थिंक मेरे लिए ये ठीक था, और मेरे जो है थोड़े लाइट लाइट होने शुरू हो गए हैं। उन्होंने बोला था कि इसका रिज़ल्ट आपको 3-5 वीक्स के बाद आएगा, और वो बीच बीच में कॉल भी करते हैं कि आपको कैसा कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं लगा। तो मेरे लिए तो अभी तक ठीक है, 5 वीक्स के बाद मैं ये करके देखूँगी कि मेरे स्किन का क्या रिज़ल्ट है। सो यही था मेरा इसका रिव्यू। सो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, किस किस ने ये वाली जो है पैक ये किया हुआ है ऑलरेडी यूज्ड। सो बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।